जॉब्स है नहीं और बहुत सारा इंटेलिजेंट अच्छी डिग्रीज वाला वर्कफोर्स इसीलिए खाली बैठा। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो किए हैं और बहुत कुछ लेडीज के लिए जो प्रोग्राम किए हैं तो उसके कारण लेडीज का अपग्रेडेशन जो हुआ है तो वो तो रियली बहुत ही एक आभार मानने लायक है। लोग पीछे पड़े हैं कि हार्दिक क्या कर रहा है, कांग्रेस में राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मोदी साहब कितनी सभाएं करने वाले हैं। लोग गुजरात की जनता के लिए कुछ नहीं सोच रहे। अब इलेक्शन आने दिसंबर तक ये सब सागा चलेगा, बाद में दुनिया ओरिजिनल जो जनता है वो गई भाड़ में। इस बार मैं विकास को तो मैं वोट नहीं करने वाली, क्योंकि मैं इस बार इतनी परेशान हो गई हूँ पैसे से। बैंकों में जाके वो नोटबंदी हुई थी तब रोज हम बैंक में जाते थे, घर बार छोड़ के, सब काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के लाइन में खड़े रहते थे। तो इतनी परेशानियाँ हमने झेली है, रोज़ टेंशन रहता था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अभी भी विकास ने क्या किया, सबके दाम बढ़ा दिए, क्या किया। मैं विकास को तो नहीं देने वाली। With the current election scenario that is there in the Gujarat state right now, one would definitely want to see ki development kis tarah se ho raha hai. When everybody is talking about vikas, vikas thai rahyo chhe, vikas nathi thai rahyo, and one wonders what exactly is this development, you know. There have been a lot of freedom curbing that is happening since a long time now. I have been told what to eat, what not to eat. I'm afraid that probably in future people might tell me what to wear, not to wear, you know. मैं जनरली जॉब मार्केट के बारे में यहाँ के कह सकती हूँ कि यहाँ पे 18 से लेके हर कोई वर्क करने को तैयार है। गर्ल्स बहुत ज़्यादा वर्क करने में इंटरेस्टेड रहती हैं यहाँ, पर जॉब मार्केट लास्ट एक डेकेड में भी इम्प्रूव नहीं हुआ है, इनफैक्ट थोड़ा डाउन ही गया है। बहुत सारा इंटेलिजेंट अच्छी डिग्रीज वाला वर्क फोर्स इसीलिए खाली बैठा है। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो किए हैं और बहुत कुछ लेडीज़ के लिए जो प्रोग्राम किए हैं तो उसके कारण लेडीज़ का अपग्रेडेशन जो हुआ है तो वो तो रियली बहुत ही एक आभार मानने लायक है। जब से मोदी जी आए हैं तो हमने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट देखा। गुजरात में ही तो हमने बहुत ही कुछ डिफरेंट और बहुत प्रोग्रेस और बहुत कुछ रिनोवेशन और इन ऑल द वेज हमने बहुत ही कुछ अच्छा देखा। और मेरे ख्याल से मोदी जी बहुत अच्छा ट्राई भी करते हैं कि हमारा देश कहीं अच्छी तरह से रिप्रेजेंट हो और हमारा देश बहुत अच्छा आगे आए और प्रगति करे। यहाँ सूरत के अंदर महिलाओं को इतनी फ्रीडम मिली कि आज हम कपड़ा जेवर अच्छा पहन के रात को गरबे कर सकते हैं, रात को निकल सकते हैं। तो ये सब इन्हीं सालों में हुआ जब से मोदी जी CM बने।